वेब सीरीज के दीवानों के लिए सच में बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि जनवरी 2022 में बहुत सारे अमेजिंग वेब सीरीज रिलीज की जा रही हैं, जिन्हें आप कतई ही मिस करना नहीं चाहेंगे। कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वेब सीरीज के बारे में आज के इस काउंटडाउन में हम बात करने जा रहे हैं। इनके अलावा भी बहुत सारी वेब सीरीज और वेब मूवीज रिलीज की जा रही है जनवरी 2022 में, और उन सभी के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। तो चलिए जानते हैं कि आज के हमारे इस काउंटडाउन में कौन कौन से ऐसे इंटरेस्टिंग वेब सीरीज हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये इंटरेस्टिंग काउंटडाउन, और इसी के साथ साथ मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल अपडेट वन पर। नंबर 10, आर्केव 81। दोस्तों ये कंप्लीट वेब सीरीज स्पेशली उन्हें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है जो कि हॉरर थ्रिलर वेब सीरीज देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। वेब सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करते हैं, वेब सीरीज की स्टोरी शुरू होती है ऐसी लड़की से जो कि एक्चुअल में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की दुनिया से जुड़ जाती है, और लास्ट तक वो लड़की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की दुनिया से किस तरह बाहर निकलती है यही दिखाने की कोशिश की जाएगी इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रिलीज की जा रही है। इसे रिलीज की जा रही है 14 जनवरी 2022 में, वो भी नेटफ्लिक्स पर। नंबर 9, जॉर्क सीजन 4। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जॉर्क की सीजन 1, 2, 3 बहुत ज्यादा हिट रही थी। इवन इसके कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोरी भी लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद भी किया था। ठीक वैसे ही आपके सामने ऑर्क की सीजन 4 बहुत जल्द रिलीज की जा रही है। ये वेब सीरीज स्पेशली उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है जो कि थ्रिलर ड्रामा देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं, और इस बार फिर से आप देख पाएंगे ऐसे इंसान को जो कि अपने प्रॉब्लम को बड़ी ही खूबसूरती से हैंडल करता है, और लास्ट तक इसका अंजाम क्या होता है ये तो आपको इस वेब सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। सीरीज रिलीज की जा रही है 21 जनवरी 2022 में, वो भी नेटफ्लिक्स पर। इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज की जा रही है। नंबर 8, वुल्फ लाइक मी। दोस्तों ये कंप्लीट वेब सीरीज स्पेशली उन्हें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है जो कि मिस्ट्री और थ्रिलर वेब सीरीज देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो सीरीज की स्टोरी शुरू होती है एक ऐसे पिता से जो कि एक लड़की से मीट करता है, लेकिन उस लड़की के पीछे बहुत सारी मिस्टीरियस चीजें छिपी हुई रहती हैं। असल में उस लड़की के पीछे कौन सी मिस्टीरियस चीजें छिपी हुई रहती हैं, इवन वो हर रात अपने फैमिली के साथ क्यों स्पेंड नहीं करती है, ये सारी की सारी मिस्टीरियस चीजें तो आपको इस वेब सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। सीरीज रिलीज की जा रही है 13 जनवरी 2022 में, वो भी पीकॉक ओरिजिनल पर। नंबर 7, सेक्स अपील। दोस्तों ये कंप्लीट वेब सीरीज स्पेशली उन्हें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है जो कि टीनेज कॉमेडी ड्रामा देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। वेब सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो वेब सीरीज की स्टोरी एक्चुअल में एक टीनेज लड़की से शुरू होती है जो कि एक्चुअल में एक लड़के से प्यार करना चाहती है, लेकिन वो लड़का उसे किसी भी तरह से प्यार नहीं करता है, लेकिन लास्ट तक उनकी लव स्टोरी कितनी ज्यादा सक्सेस होती है ये तो हमें इस वेब सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। सीरीज रिलीज की जा रही है 14 जनवरी 2022 में, वो भी हुलू पर। नंबर 6, द आफ्टर पार्टी। वेब सीरीज बेस्ड है क्राइम थ्रिलर एंड मिस्ट्री एक्टिविटी के ऊपर। वेब सीरीज की स्टोरी शुरू होती है एक मर्डर से, और इस मर्डर के पीछे असल में क्या मिस्ट्री छिपी हुई है इसी को रिवील करने की कोशिश की जाएगी इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज रिलीज की जा रही है 28 जनवरी 2022 में, वो भी एप्पल टीवी ओरिजिनल पर। नंबर 5, ब्रेजेन। दोस्तों ये कंप्लीट वेब सीरीज स्पेशली उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है जो कि क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो सीरीज की स्टोरी शुरू होती है एक लड़की के मर्डर से, लेकिन उस लड़की के मर्डर के विक्टिम में उसी की बहन को पकड़ लिया जाता है, और लास्ट तक वो अपने आप को किस तरह निर्दोष साबित करती है यही दिखाने की कोशिश की जाएगी इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रिलीज की जा रही है। इसे रिलीज की जा रही है 13 जनवरी 2022 में, वो भी नेटफ्लिक्स पर। नंबर 4, स्नोपीसर सीजन 4। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्नोपीसर की सीजन 1 और सीजन 2 बहुत ज्यादा हिट रही थी। इवन इसके कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोरी बहुत ज्यादा डिफरेंट भी बनाई गई थी। वेब सीरीज की स्टोरी आपको एक ऐसे दुनिया में ले जाती है जहां पर पूरी तरह से आइस एज फैल चुकी है, और इसी बीच कुछ लोग अपने आप को किसी भी तरह से सर्वाइव करके रखना चाहते हैं, और वो अपने आप को सर्वाइव करने के लिए एक ट्रेन का सहारा लेते हैं, लेकिन इस ट्रेन के अंदर भी बहुत सारी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज चालू रहती हैं, और उन्हीं रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को इस वेब सीरीज में फिर से दिखाने की कोशिश की जाएगी। सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रिलीज की जा रही है। इसे रिलीज की जा रही है 24 जनवरी 2022 में, वो भी TNT ओरिजिनल पर। नंबर 3, ऑल ऑफ अस आर डेड। दोस्तों ये कंप्लीट वेब सीरीज स्पेशली उन्हें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है जो कि ज़ॉम्बीज़ एक्टिविटी के ऊपर वेब सीरीज या वेब मूवीज देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। वेब सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो वेब सीरीज की स्टोरी एक्चुअली शुरू होती है कि स्कूल से, जहां पर अचानक से ही कुछ बच्चे इन्फेक्टेड हो जाते हैं और ज़ॉम्बीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी बीच कुछ बच्चे अपने आप को ज़ॉम्बीज़ के हाथों से सर्वाइव करके रखना चाहते हैं, और वो अपने आप को ज़ॉम्बीज़ के हाथों से किस तरह सर्वाइव करते हैं यही दिखाने की कोशिश की जाएगी इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज रिलीज की जा रही है 28 जनवरी 2022 में, वो भी नेटफ्लिक्स पर। इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज की जा रही है। नंबर 2, रंजिश ही सही। दोस्तों ये कंप्लीट वेब सीरीज आपको ले जाती है 80s की दुनिया में, जहां पर आप देख पाएंगे फिल्म इंडस्ट्री 80s की दुनिया में कैसी थी। इसी बीच बहुत सारे लव स्टोरीज और बहुत सारे टकराव इस वेब सीरीज में दिखाने की कोशिश की जाएगी। वेब सीरीज के कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोरी एक्चुअल में एक सेलिब्रिटी के लाइफ के ऊपर बेस करके बनाई जा रही है, जो कि शायद आपको बहुत ज्यादा पसंद भी आ जाए। सीरीज रिलीज की जा रही है 13 जनवरी 2022 में, वो भी वूट ओरिजिनल पर।
और लास्ट ऑन नंबर वन पर हम बात करेंगे भोकाल सीजन टू। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भोकाल सीजन वन में क्या हुआ था, ठीक ऐसे ही आपके सामने फिर से भोकाल सीजन टू बहुत जल्द रिलीज की जा रही है। इसकी फिलहाल रिलीज डेट दी नहीं गई है, लेकिन इसे फाइनली रिलीज कर दी जाएगी जनवरी महीने में। वैसे इसकी स्टोरी स्पेशली उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है जो कि एक्शन थ्रिलर ड्रामा देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। सीरीज की रिलीज डेट दी नहीं गई है, लेकिन इसे रिलीज की जा रही है एमएक्स प्लेयर पर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का काउंटडाउन पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए काउंटडाउन के साथ। खुश रहिए, हेल्दी रहिए। गुड बाय।